12वीं क्लास की मेरिट लिस्ट में जबलपुर से 3 छात्र शामिल हुए हैं। आशीष कुशवाहा का मैथ्स में प्रदेश में 4th स्थान आया है। आशीष कुशवाहा ने 500 में से 487 नंबर हासिल किए हैं। इसके अलावा प्रियंका पटेल कॉमर्स साइड से प्रदेश में 5वें नंबर पर आई हैं। प्रियंका ने 500 में से 475 अंक हासिल किए हैं। तीसरा नाम वर्षा मंगतानी का है, प्रदेश में 10वां स्थान हासिल किया है, 500 में से 470 अंक उन्हें मिले हैं। चलिए सीधे रुख करेंगे जबलपुर की तरफ। अमित सोनी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अमित, कई नाम आए हैं इस वक्त मेरिट लिस्ट में जबलपुर के उन बच्चों के, उन सबको बंसल न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ शोएल, हम स्टेट लिस्ट की बात करें, यानी टॉप 10 लिस्ट की बात करें, तो जबलपुर में 3 स्थान पाए हैं। जो हम बात करें तो 4th, 5वां और 10वें स्थान पे जो है जबलपुर संस्कारधानी के छात्रों ने बाजी मारी है। प्रियंका हमारे साथ है। प्रियंका, सबसे पहले तो आपको बंसल न्यूज़ परिवार की ओर से, बंसल न्यूज़ की ओर से आपको बधाई। आपने 5वां स्थान अर्जित किया है, पूरे प्रदेश में आप टॉप किया है। किस तरह की मेहनत रही है इस पूरे लक्ष्य को हासिल करने के लिए? हमेशा मैंने सेल्फ स्टडीज़ ही की है और हमेशा मेहनत पे ही ध्यान किया है, और सिस्टर प्रिंसिपल, टीचर्स इन सबका बहुत इन्होंने हेल्प किया है, तभी जाके मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। लगभग कितने घंटे की स्टडीज़ रहती रही जब आप इस स्थान पे पहुँची है, 5वां स्थान आपने अर्जित किया है? मतलब गिने तो नहीं मैंने कि कितने पढ़े, बट जितने पढ़े अच्छे से पढ़े। और कुछ लोग बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, मैंने बिल्कुल भी इतना नहीं किया, बस जितना मेरे को सही लगा, जब मन करता था मैं तभी पढ़ती थी, ऐसा कोई प्रेशर नहीं लिया कभी अपने ऊपर। आपने टॉप किया है, आप 5वें स्थान पर है। घर का क्या कुछ आपको वो मिलता रहा, सपोर्ट मिलता रहा, परिवार का, फादर का, मदर का, क्या कुछ आपको सपोर्ट मिला, क्या कुछ मोटिवेशन उनके तरफ से आपको मिलता था? मेरे फादर ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है, अप्रिशिएट किया है। मेरे ब्रदर ने हमेशा वो बोलता था कि नो यू कैन डू इट, और मम्मी ने भी मेरी बहुत हेल्प की है, मेरे घर का बहुत सपोर्ट रहा है। प्रियंका की टीचर भी हैं, प्रिंसिपल मैडम भी हैं, किस तरह से प्रियंका स्कूल में आज आप गौरवान्वित किया है, सेंट नॉर्बर्ट स्कूल को आज गौरवान्वित किया है इस बच्ची ने, और किस तरह की स्टडीज करती थी बच्ची आप? बच्ची शुरू से ही बहुत ही होशियार हैं, और हमारे टीचर्स भी उनको सहयोग दिए हैं, और उनके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। बच्ची खुद सेल्फ स्टडीज़ की है, और फिर ज़्यादा वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देती थी, है ना, ज़्यादा दूसरे एक्टिविटीज़ में उतना वो नहीं रहती, बिल्कुल शांत रहती थी, अच्छे से पढ़ती थी वो। तो सोहेल, इस बार फिर जो है स्टेट में जो है लड़कियों ने बाजी मारी है, लड़कियों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। प्रियंका के पापा भी यहाँ पे आए हैं, खासा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे कि आपकी बच्ची ने बाजी मारी है, टॉप किया है। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो, और मैं सबको स्कूल परिवार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके सहयोग से ये सारी चीज़ें जो है वो संभव हो पाई है, क्योंकि बहुत मोटिवेट किया है। स्कूल्स में एक बार प्रिंसिपल मैडम से भी मिला था, उन्होंने पर्सनली बुलाया था, बहुत मोटिवेट किया। मैं हर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जो है वो आता था, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट जो है वो करते थे कि एन एच स्कूल टीचर्स जो है ना वो सब पर्सनली में आके जो है वो मिलता था। बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा सहयोग तो जो है वो नहीं कर रहा, उसने मेहनत भी की है बहुत। घर पे जो है मुझे जो टाइम मिलता था, मैं कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं कंटिन्यू तो नहीं, लेकिन कभी कभी जो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं बकायदा उसको हेल्प करता था। कोरोना संक्रमण काल भी चल रहा है, पिछले 4 महीने से हम देख रहे हैं कि कोरोना भी चल रहा है, ऐसे में किस तरह से मेहनत करी इस बच्ची ने? उस टाइम तो क्या होता था कि थोड़ा सा जो है इसको प्रॉब्लम तो हुई कि ये कुछ ये लग रहा था कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, ठीक है, और वो उस बेस पे जो है बाकी जो पेपर हुए हैं उसके बेस पे जो है मार्क्स वगैरह मिलेंगे, तो इसको ये लगा कि नहीं, जब पढ़ाई की है, इतनी मेहनत की है, तो जो कहना चाहिए, जो पढ़ाई की है, जिसने जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से कहना चाहिए परिणाम जो है वो होना चाहिए, ऐसा प्रमोट जो है वो नहीं करना चाहिए तरीके से जो है। तो मैं तो उसको हमेशा ये बोलता था कि आप पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखो, ठीक है, एग्ज़ाम होना या ना होना ये अलग बात है, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको जाके काम में आएगी, ठीक है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि केवल जो पढ़ाई है वो या नॉलेज जो है वो केवल एक एग्ज़ाम पास करने के लिए कहना चाहिए, नहीं होता, आगे आपको लाइफ में जो है वो बहुत काम में आता है वहाँ पर। तो जी हाँ सोहेल, जिस तरह से परिवार ने मोटिवेट किया है बच्ची को कि आप पढ़ाई करिए,
चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे कोई भी परिस्थितियाँ हो, जैसे कि कोरोना काल चल रहा है उसके बाद ही परिवार ने मोटिवेट किया और बच्ची ने कर दिखाया, संस्कारधानी का जो नाम है वो गौरवान्वित किया है प्रियंका ने, और साथ ही उन तीन बच्चों ने जिन जो 10 टॉप लिस्ट में शुमार हुए हैं। जी सुहेल, बिल्कुल अमित, और जब बच्चा अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छे नंबर आते हैं, मेरिट लिस्ट में जगह बनाता है, तो ना वो सिर्फ खुद का नाम रोशन करता है, अपने भविष्य को रोशन करता है, बल्कि अपनों से जुड़े तमाम लोगों का नाम रोशन करता है, अपने माँ बाप को समाज में सिर उठा के चलने का मौका देता है, स्कूल का नाम रोशन करता है, अपने गुरु जिन्होंने उनको पढ़ाया उनका नाम रोशन करता है, और बच्चों की यही मेहनत उनके घर वालों पर, स्टाफ पर, टीचर्स पर, उनके दोस्तों यारों के चेहरे पर मुस्कान ला देती है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। जबलपुर के कई बच्चे इस बार मेरिट लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं।